आपने फिल्मों में बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ तो बहुत देखी होगी, लेकिन अरवल के बहरोड पुलिस थाने में जो हुआ वो सिर्फ फिल्मों में ही होता है। करीब एक दर्जन बदमाश बहरोड थाने पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर अपने साथी को जेल से छुड़ा ले गए। बहरोड पुलिस थाने में सुबह करीब 9 बजे एक दर्जन बदमाश घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल ने बताया कि बदमाश हरियाणा के हैं और उन्होंने पुलिस कस्टडी से पपला गुर्जर को छुड़ाया और फरार हो गए। पुलिस कर्मियों की माने तो करीब एक दर्जन बदमाश एक कार में सवार होकर आए थे और थाने के अंदर घुसते ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए थाने के लॉकअप तक पहुंचे और फायर कर लॉकअप का ताला तोड़ दिया और बदमाशों ने अपने साथी को छुड़ा लिया। हालांकि पुलिस अभी स्पष्ट नहीं कर रही है कि बदमाश किस आरोपी को लॉकअप से छुड़ा कर ले गए हैं। बहरोड थाने के पुलिस कर्मियों के अनुसार बदमाश AK-47 से लैस थे। थाने में घुसकर बदमाशों ने करीब 40 से 45 राउंड फायरिंग की है। पुलिस कर्मियों के अनुसार बदमाश थाने में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की तो पुलिस कर्मी अपने कमरे में घुस गए। बदमाश फायर करते रहे और उन्होंने गोली चलाकर ही लॉकअप के ताले को तोड़ा और हरियाणा के बदमाश पपला गुर्जर को छुड़ा कर ले गए। हमले में कुलदीप गैंग का हाथ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस कर्मी आज तड़के ही इस बदमाश को पकड़ कर लाए थे और उसे लॉकअप में बंद किया था। सुबह करीब 9 बजे जब बदमाश थाने में घुसे तो थानाधिकारी रामजी लाल यादव थाने में ही मौजूद थे। पुलिस कर्मियों को भी अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हमला हो जाएगा। वारदात के बाद भिवाड़ी SP अमनदीप सिंह कपूर व अन्य अधिकारी थाने पर पहुंचे। वे स्वयं मौके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि एक संदिग्ध कार की चेकिंग की गई है और जिसमें पुलिस को कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता देशराज यादव फोनलाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ। जी बताए, क्या कुछ है पूरा मामला? जी लविना, जिस तरह से थाने पर दिन दहाड़े हमला किया गया है, एक बड़ी वारदात है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हरकत में आया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जयपुर से भी टीम अभी बुलाई गई है और जयपुर रेंज के IG एस चिंतागिर पहुंचे हैं थाने पर, हर घटना की जांच कर रहे हैं। जिस तरह से लॉकअप को भी उन्होंने तोड़ा है, थाने में भी करीब 40 से 50 राउंड उन्होंने फायरिंग की है। और उधर IG का कहना है कि उनको शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही है। अभी मुंडावर में फायरिंग भी हुई है बदमाशों और पुलिस के बीच। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि एक को पकड़ लिया गया है बदमाश को जी, और जिस तरह से पुलिस लगी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं पुलिस की चूक हुई है, क्योंकि पुलिस से जिस तरह से उसको विक्रम उर्फ पपलू गुजर को, तो पुलिस को स्टार्टिंग में ये अंदाजा नहीं था कि ये पपलू गुजर है। तो पुलिस की कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में इसकी चूक सामने जरूर नजर आ रही है। हालांकि अब पूरी पुलिस फोर्स हरकत में आ गई है। जी देशराज, ये बताएं, ये कब तक खुलासा हो पाएगा कि कौन था वो बदमाश जिसे लॉकअप से छुड़ा लिया गया है इस फिल्मी स्टाइल में? जी, ये बदमाश हरियाणा का बताया जा रहा है और विक्रम उर्फ पपलू गुजर है, जो काफी मामलों में लिप्त था। अभी हरियाणा में कोर्ट में पेशी के दौरान भी इसके साथ ने इसको छुटाया था फायरिंग करके ही। कई बड़े मामले इसके लिप्त है, करीब 1 लाख रुपए का इनाम भी इस पर रखा हुआ है। तो पुलिस ने तो गाड़ी चोर के हिसाब से इसको संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया था जी। अभी जिस तरह से पकड़े जाएंगे बदमाश, तभी ये बड़ा खुलासा सामने आ पाएगा। जी देशराज, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, जेल का ताला तोड़कर अपने साथी को यहाँ पर फिल्मी स्टाइल में लेकर फरार हो चुके हैं और ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा अलवर में भी सामने आया है।